वन्य प्राणी एवं वातावरण को नष्ट होने से बचाने, उनका संरक्षण तथा लालन पोषण करने का संदेश बच्चों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और उनमें संवेदनशीलता जगाने के लिए स्वैच्छिक सुरक्षित एवं मौद्रिक लाभ रहित उपक्रम की शुरुआत भारतीय नागरिकों द्वारा की जा रही है। इंडिया ग्रीन और वाइल्ड भारतीय नागरिकों द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी स्वैच्छिक एवं मौद्रिक लाभ रहित उपकरण वन्य प्राणी प्राकृतिक एवं पर्यावरण को नष्ट होने से बचाने, उनका संरक्षण तथा लालन पोषण करने का संदेश बच्चों एवं युवा पीढ़ी तक पहुंचाने और उनमें सम्मिलित जगाने का यह कदम उठाया गया है। यह उपक्रम का लक्ष्य है कि उन्हें जीवन शैली उनके बदलाव के बारे में अवगत कराया जाए जो उन्हें अपने जीवन में शीघ्र ही सम्मिलित करने होंगे, और बदले में ये बदलाव उन्हें एक ऐसी स्वच्छ पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाएंगे जो जीवन को संभव बनाए रखे। न्यूज फ्रीडम के लिए चांदपुर से सलीम हाशमी की रिपोर्ट। जी, पर्यावरण के बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? मैं हरवीर सिंह तोमर, प्रधानाचार्य लोक प्रिंटकल्स के इनको बिजनौर एवं जिलाध्यक्ष माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा जनपद बिजनौर। आजकल बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने से ऐसा हो रहा है। जैसे जगह जगह जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना, जल का अधिक विदोहन करना, कल कारखानों का दूषित जल नदियों में छोड़ना, जिससे गंभीर रोग पैदा हो रहे हैं जैसे कैंसर है और त्वचा की अन्य बीमारियाँ हैं, दमा है। ये पर्यावरण जैसा आप अभियान चलाओगे कहाँ से चलेगा? ये अभियान हमारा ऑल वर्ल्ड चल रहा है और इसके संबंध में 19 जनवरी को एक विश्व स्तर की रैली निकाली जा रही है, पर्यावरण बचाओ। तो ये जिले में निकलेगी, उत्तर प्रदेश में? ये पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में निकलेगी। तो ये प्रोत्साहन आपको कहाँ से मिला, क्या है इसके बारे में? ये प्रोत्साहन हमारा एक ग्रुप है, न्यू इंडिया ग्रीन इंडिया वाइल्ड ग्रुप, हम लोग मिलकर इसको कर रहे हैं और लोगों को ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से जागरूक किया जाए ताकि वो अपने पर्यावरण को बचा सके, जिससे मानव का जीवन सुखी और समृद्ध हो सके। ये पर्यावरण जो है किसके माध्यम, कैसे करेंगे प्रचार इसका? इसका प्रचार हम रैली के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से हम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। अब आपका न्यूज फ्रीडम चैनल कभी भी कहीं भी देश विदेश में बिजनौर व उत्तर प्रदेश की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फ्रीडम चैनल, और बने रहिए हमारे साथ अपने क्षेत्र की खबरों के लिए।